कई बार हम बहुत से सिचुएशन से हार जाते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं जिंदगी में वहां पहुंच नहीं पाते। इसके लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और इनको सिर्फ सुनना नहीं, इनको समझना, इनको रूह तक पहुंचने देना। ऐसे सुनना जैसे मेडिटेशन हो रहा हो, क्योंकि चीजें छोटी हैं लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है, आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और आज जो तीन चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, ये मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से ली हुई सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वेन टू फाइट, वेन नॉट टू फाइट, वेयर टू स्टक, वेयर नॉट टू स्टक। मैं हर बार बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं एक लाइन बोलता हूं कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर रास्ते में भौंकते हुए कुत्तों से नहीं लड़ा करते। ये एक बहुत डीप रूटेड, एक बहुत बहुत मीनिंगफुल लाइन है, लेकिन इसका मीनिंग समझना जरूरी है। बड़ी मंजिल के मुसाफिर, बड़ी मंजिल, क्या आपकी मंजिल बहुत बड़ी है? अगर बहुत बड़ी है तो एक इनसाइट जिंदगी में डेवलप करनी बहुत जरूरी है, जो 90% लोग डेवलप नहीं कर पाते, और वो है कि किससे लड़ना है, किससे भिड़ना है, किस कहां स्टक होना है और कहां से सिर्फ मूव ऑन हो जाना है। अगर हम ये थोड़ी सी विजडम, थोड़ी सी सलाहियत, थोड़ी सी इनसाइट डेवलप करें कि हमको किस जगह रुकना, कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और लड़ने से मेरा मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं है, कौन वो लोग हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, कौन लोग हैं जो हमको जिंदगी में रोक लेते हैं, किनके साथ हम बहस करने में पड़ जाते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो हमको एक ही जगह बांध कर रख देती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। थोड़ी सी इनसाइट डेवलप करो ये देखने में कि वेयर टू स्टक एंड वेयर नॉट टू स्टक। आपके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम और बहुत लिमिटेड एनर्जी है। जिस दिन ये रियलाइज कर लिया, ओहो, जिस दिन ये अंदर तक उतार लिया कि टाइम बहुत थोड़ा है, एनर्जी बहुत कम है, जो पूरे दिन तक एंड तक पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो जाती है, कहीं मेरी एनर्जी कोई और एनर्जी वैम्पायर तो नहीं चूस रहा, छोटी सी बात लेकिन जिंदगी में बहुत बड़े इंपैक्ट रखती है। दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि किसी को भी अपने इमोशंस पर टारगेट मत करने दो। 99% लोग जो अनसक्सेसफुल होते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उन्होंने दूसरों को अपनी जिंदगी में अपने इमोशंस की पिच पर बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करने दी। चाहे कोई, हम देखो हमारे आज बहुत से डिसीजन सिर्फ इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रैशनल होके सोचें, थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचें, एक इनसाइट डेवलप करें, एक विजडम डेवलप करें कि आपको अपने लॉजिक से काम लेना है। आपने थोड़ी सी ये सोच, ये थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी सलाहियत डेवलप करनी है कि ये किस डायरेक्शन में बात जा रही है। देखो पूरी दुनिया हमारे इमोशंस का फायदा उठाती है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एडवर्टाइजर हो, चाहे वो सेल्समैन हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। आप देखोगे कि हर जगह पर जो इंसान मार खाता है वो अपने इमोशंस की वजह से मार खाता है। अगली बार जब पॉलिटिशियन वोट मांगने आता है तो वो कहे कि जी मैं आप ही की जात बिरादरी का हूं, मुझे ये वोट देना। तो अपने अंदर एक द्वंद चलना चाहिए, एक युद्ध चलना चाहिए कि क्या इस बात पर वोट देना है इमोशनल होकर, या इस बात पर कि जो काम करेगा उसे वोट दें। उससे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर से ये बात करो कि क्या जो काम करेगा उसे वोट देना जरूरी है। जब भी कोई पॉलिटिशियन आपकी इमोशनल इमोशंस की पिच पर बैटिंग करना चाहे, मत करने दो। जब भी कोई एडवर्टाइजर, आप देखो एडवर्टीजमेंट कैसी है, चीता भी पीता है। अरे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि चीता पीता है, नहीं पीता है। अपने अंदर इमोशन से सोचो कि क्या जो चीजें हम खरीद रहे हैं इमोशनली ड्रिवन होकर तो नहीं खरीद रहे, क्या हम अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे ही तो नहीं खर्च कर रहे हैं। मर्दों की क्रीम चीता भी पीता है, क्या ये क्रिकेटर ने कभी पूरी जिंदगी में ये बाइक चलाई होगी? आपको चाहिए वो चीज खरीदो, इमोशन से कभी भी ड्राइव मत हो जाओ। और हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि वी ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर्स, हम बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं और कई बार हम लॉजिक की तरफ नहीं जा पाते और एक्सट्रीम लॉजिक की तरफ जाना भी नहीं है। मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने अंदर इमोशंस का और लॉजिक का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, दोनों जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं तो एक काम करो, फेक इट टिल यू मेक इट। आप अपने अंदर, अपने आप से ही झूठ अंदर बोलो कि नहीं, मैं इमोशन से काम नहीं लूंगा। जब भी कोई डिसीजन लेना हो, अपने अंदर से पूछो कि क्या मुझे ये डिसीजन इमोशनल होकर लेना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप्स, हर चीज में बेहतरी होने लगेगी जब आप इमोशंस को साइड रखकर एक ही सेकंड में डिसीजन ना लेते हुए आप थोड़ा सा रैशनली सोचेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और मैंने ये बात कई बार बताई है कि जब भी बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये एकदम से जवाब नहीं देते, वो ये बोलते हैं कि ठीक है मैं अपने घर जाकर अपने पार्टनर से बात करूंगा, या मैं अपने सलाहकार से बात करूंगा, मैं अपने पीए से बात करूंगा, अपने एडवाइजर से बात करूंगा। चाहे उनके पास ये लोग ना होते हों, लेकिन फिर भी वो ये बात इसलिए बोलते हैं कि घर जाकर
इसके लॉजिक सोचूंगा कि ये डील करना कितना फायदेमंद है, क्योंकि ऑन द स्पॉट कई बार इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि अपने इमोशंस की पिच पर किसी दूसरे को बैटिंग मत करने दो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और जिंदगी में बेहतरी पाओ। थर्ड पॉइंट, और ये शायद सबसे जरूरी है जानना, सबसे जरूरी है कि नो योर सेल्फ बिफोर नोइंग अदर्स। हम आज एक ही कश्मकश में, एक ही उधेड़ बुन में लगे हैं कि दूसरों को जान लें, उसने क्या कर लिया, उसने कैसे कर लिया, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये इस बात से भरा पड़ा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि ये मत देखो दूसरे क्या कर रहे हैं, ये देखो कि आप क्या करना चाहते हो। उससे पहले देखो कि आप हो कौन। मैं अक्सर वीडियोज में ये बात बोलता हूं कि अपना एक विजन बोर्ड बनाओ। आप कौन हो, आपका टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कहां पहुंचना चाहते हो भाई, कहां जाना है, और इस आपने बनना क्या है, और इस बनने के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आप फॉलो कर रहे हो, कितनी बुक्स रोज की पढ़नी जरूरी है, उस पर टिक लगाओ कि आप पढ़ते हो, कितनी चीजें हैं, कितनी नई स्किल्स आपको इम्बाइब करनी जरूरी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कितनी करनी जरूरी है, ये चीज कितनी सीखनी जरूरी है, क्या आप इस पर रोज के टिक लगा रहे हो, अपने आप पर काम कर रहे हो, खुद को जान रहे हो। आज 90% लोग ये नहीं जानते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है। आप सोचो कि किसी भी युद्ध में अगर आपको अपनी सेना की ताकत ही नहीं पता तो लड़ोगे कैसे। ये ऐसे ही लाइफ में अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता तो जिंदगी की गेम को कॉन्कर कैसे करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि कौन से वो वीक लोग हैं जिनको युद्ध में सबसे पीछे रखना है, अपनी वीकनेसेस क्या है जिनको हटा दो, अपने से पीछे फेंक दो, निकाल दो, और कौन सी वो ताकत है जिसको सामने लेकर के आना है और जिंदगी की जंग को कॉन्कर करना है। तो सबसे पहली जरूरत है खुद को जानने की। जितने भी आप लोग देखोगे जो आज जिनको आप पूजते हो, जिनके पीछे जिनको आप मानते हो, जिनकी पूजाएं करते हो, वो लोग हैं जिन्होंने खुद को जाना है, वो लोग हैं जिन्होंने खुद को ढूंढा है। अगर इंसान खुद को ढूंढता है तो पूरी दुनिया उसको ढूंढने के लिए, पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे होती है। लेकिन जो इंसान खुद की तलाश नहीं करता, खुद को दरियाफ्त नहीं करता, आप यकीन मानना कि वो अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। आप अपने आप को जानो, दुनिया आपको पहचानेगी ही पहचानेगी। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, विश यू एवरी हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.